हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ब्लॉग या ब्लॉगर कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र सबसे पहले ओपन कर लीजिए। चलिए इसके बाद ब्लॉगर टाइप कीजिए सर्च बॉक्स में ब्लॉगर टाइप कर लीजिए सबसे पहले। चलिए उसके बाद ऊपर जो blogger.com लिखा है सबसे ऊपर ही आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। blogger.com पर क्लिक कर लीजिए। चलिए हो गया। उसके बाद देखिए दो ऑप्शन होगा, साइन इन और क्रिएट योर ब्लॉग पे हम लोग को क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, क्रिएट योर ब्लॉग पे सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं। चलिए अब आपसे ईमेल आईडी पूछेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ईमेल आईडी भर लीजिए। ईमेल आईडी भरने के बाद देखिए यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा रहेगा डिस्प्ले नेम। सबसे पहले आपको डिस्प्ले नेम चूज करना है। डिस्प्ले नेम में अपना कुछ भी डालिए जो मतलब कि डालना चाहते हैं। जैसे हम डाल रहे हैं दीपक जी, दीप चाहे दीपक कुमार डाल लेते हैं। आप कोई भी डाल सकते हैं जो सर्च करने पर आपका फ़ोटो या आपका नाम आ जाए गूगल पे। हम अपना नाम डाल लेते हैं। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला फिर पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए न्यू ब्लॉग लिखा है, न्यू ब्लॉग पे क्लिक कीजिए। फिर न्यू ब्लॉग पे क्लिक कीजिए। देखिए अब टाइटल डालना है, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। इसमें आप टाइटल चूज कीजिए, कोई भी टाइटल चूज कर लीजिए अपना वेबसाइट का टाइटल कुछ। चलिए हम अपना नाम डाल देते हैं यहाँ पे, दीपक। आप कुछ भी डाल सकते हैं टाइटल में जो सर्च करने पर आपका फोटो आए या आपका ब्लॉग है। अब देखिए उसके नीचे लिखा है एड्रेस। एड्रेस में स्पेस नहीं होता है दोस्तों, इसी में दिमाग लगाना है। ये ऐसा डालना है कि मतलब कि इसमें अवेलेबल नहीं होना चाहिए। चलिए डालते हैं। डालने के बाद इसमें नंबरिंग भी कुछ डाल देते हैं, न्यूमेरिकल नाम भी डाल देते हैं। अब इसको चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है। चलिए लास्ट में देखते हैं। देखिए ये सही का निशान आ गया, यानी चलिए सही है। चलिए अब नीचे चलते हैं, उसके बाद हम लिख यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट ब्लॉग। क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद हम लोग का ब्लॉग तैयार हो गया है। अब आप इसमें फोटो डाल सकते हैं या कुछ अपना कहानी लिख सकते हैं। चलिए आपको हम एक फ़ोटो डाल कर सिखाते हैं। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ऊपर में न्यू पोस्ट लिखा है, न्यू पोस्ट। चलिए यहाँ पर क्लिक करना है, न्यू पोस्ट पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, इसमें भी आपको एक टाइटल डालना है। सबसे पहले टाइटल डालना मत भूलिएगा, सबसे पहले टाइटल। टाइटल लिखने के बाद हम आपको बताएंगे कि फ़ोटो कैसे अपलोड होता है। चलिए पहले टाइटल लिख लेते हैं, टाइटल हो गया। अब देखिए यहाँ पे फ़ोटो का आइकन दिख रहा होगा, फ़ोटो डालना है तो फ़ोटो, नहीं तो आप कुछ लिख भी सकते हैं, लिखने का भी ऑप्शन देता है, कहानी वगैरह कुछ भी। चलिए फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दे रहा होगा, चूज फाइल दिख रहा है आपको। चलिए दिखाते हैं आपको चूज फाइल, चूज फाइल पे क्लिक कीजिए। चलिए क्लिक करने के बाद फाइल मतलब कि अपने मोबाइल से एक फ़ोटो चूज कर लेना है। फ़ोटो कोई भी एक फ़ोटो चूज कर लीजिए, या आप चाहेंगे तो दो चार या पाँच भी फोटो सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए फ़ोटो चूज कर लिए। उसके बाद देखिए मेन, बहुत मेन काम है इसका, ऐड सेलेक्ट जो लिखा है ये वाला दबाना बहुत ज़रूरी है। ऐड सेलेक्ट कर लीजिएगा तभी उसमें आपका फ़ोटो जाएगा। देखिए आपका अब ब्राउज़र में फ़ोटो आ गया है, अब इसको पब्लिश करना है जिससे आपको गूगल में अपलोड हो जाए। उसको हम पब्लिश करते हैं। चलिए पब्लिश कर लिए। अब आपका फ़ोटो हो गया अपलोड, यानी आपका एक ब्लॉग पोस्ट हो गया। देखिए दिख रहा है यहाँ पे, आज का डेट दे रहा है, एडिट, व्यू, डिलीट सब ऑप्शन देता है। देखिए आप चाहेंगे तो इससे अर्निंग भी कर लेंगे, दिखा रहे आपको। देखिए अर्निंग का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, अर्निंग, पेज लेआउट। ये हम एक और भी वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। आप चाहेंगे तो घर बैठे इससे पैसा भी कमा लेंगे, बहुत खासा अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। थैंक यू दोस्त, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा।